नमस्कार दोस्तों, आज आइए हम लोग यूरोप का मैपिंग करते हैं। यूरोप में कौन कौन सी नदियां हैं, यूरोप को क्यों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं, इसमें कौन कौन से मरुस्थल हैं, क्यों इसमें क्या क्या नदियां कहां कहां से क्रॉस करती है, कौन कौन सी सिटी नदियों के किनारे है, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये यूरोप का एक आउटलाइन मैप है। इसमें देखते हैं हम लोग, पहले किनारे किनारे होते हुए हम लोग यहाँ से भूमध्य सागर होते हुए पूरा यूरोप घूमेंगे, पहले किनारे किनारे घूमते हुए। चलिए देखते हैं, ये पार्ट आपका कौन सा सागर है, ये कौन सा सागर का पार्ट है, ये किस सागर का पार्ट है, ये किस सागर का पार्ट है। ये देखिए, ये है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और ये ऊपर आर्कटिक। तो पहला देश पहले लेते हैं ये, जिसकी कटा कटा तट है, उस देश को क्या बोलते हैं, नॉर्वे। नॉर्वे, ये कटे फटे छट को क्या बोलते हैं, फ्योर्ड तट, फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट से बंदरगाह बनने में बहुत आसानी बनती है, जिससे मछली उत्पादन भी ज्यादा होता है। फ्योर्ड, कटे फटे छट को क्या बोलते हैं, फ्योर्ड। फ्योर्ड ये नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन का पार्ट। ये दूसरा देश स्वीडन, और ये फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब ये देखिए, ये क्या है, ये पूरा बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, तो बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर का जो नैरो टॉप व्यू है वो है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी है। ये फिनलैंड है, और ये तीन देश है कौन कौन से, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उत्तर दक्षिण लगाने लगा लीजिए, लिथुआनिया। इसे बाल्टिक देश भी कहते हैं। क्यों बाल्टिक देश कहते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर में स्थित है। इन तीनों को क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश, बाल्टिक कंट्री। इसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। अब इसमें देखिए, एक ये वाला पार्ट है, ये बोथनिया खाड़ी थी, ये वाला आप लोग मैप में ट्रेस कीजिएगा, फिनलैंड है। फिनलैंड के दक्षिण में, ये इसको कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड के दक्षिण में बाल्टिक सागर का पार्ट है, ठीक। और एक ये एस्टोनिया, ये लाटविया, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसे बोलते हैं रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, रीगा। फिर हम लोग यहां से सैर करते हुए घूमते हुए आ रहे हैं। अब ये क्या है, डेनमार्क, अब लोग हम लोग नाव से घूमते हुए आ रहे हैं। ये क्या है, नॉर्थ सी,
कौन सा सागर है? नॉर्थ सी, ये बाल्टिक सी था। अच्छा, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, पहले ऐसे ऐसे अगर हम यात्रा करें, बताइए आप लोग, ऐसे ऐसे यात्रा करें, ऐसे ऐसे यहाँ आए, तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है कि नहीं? इन दोनों को जोड़ने के लिए ये अगर नैरो स्ट्रिप काट दिया जाए और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर नॉर्थ सी को जोड़ दिया जाए, तो इसमें परिवहन लागत व समय की बचत होगी कि नहीं? इसी को जोड़ने के लिए कील नहर का निर्माण किया गया है। ये कील नहर, कील नहर का। फिर हम लोग घूमते 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 ये टोटल पार्ट इंग्लैंड, देखिए ये इंग्लैंड, यूके, इन सब में अंतर जानते हैं कि नहीं आप लोग? आइए, इन लोगों में अंतर जानते हैं इन सब में। ये देखिए, ये वाला है इंग्लैंड, और ये पार्ट है बेल्स, और ये उत्तरी वाला पार्ट क्या है इसका? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इसी को मिला के यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और ये आयरलैंड है, आयरलैंड का ये उत्तरी आयरलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड, इसको मिला के यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा इतना मिला यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ये चारों अंतर जान गए आप लोग? इंग्लैंड किसे कहते हैं, यूके किसे कहते हैं, ब्रिटेन किसे कहते हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिला के ब्रिटेन बोलेंगे, लेकिन इसमें उत्तरी आयरलैंड मिला देंगे तो ये हो गया आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके। ब्रिटेन, इंग्लैंड, टोटल सबकी अलग अलग परिभाषा है। अब यहां से हम लोग ये नॉर्थ सी से होते हुए आते हैं, यात्रा करते हुए यहां से एक देखिए, ये है इंग्लिश चैनल, जिसको प्रथम इंडियन ने मिहिर सेन ने पार किया था, यही है इंग्लिश चैनल। दिखा देंगे अभी, आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आज का पीडीएफ आपको लिंक के नीचे मिल जाएगा। यह है इंग्लिश चैनल, यहां से हम लोग आते हैं, यहां घूमते हैं। यह क्या है? यह है बिस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ बिस्के। गल्फ ऑफ बिस्के। अब यहां आप देखते हैं, यहां घूमते हुए हम लोग आते हैं टक टक, उसके ये एक देश है और ये एक देश है, इसको स्पेन बोलते हैं, स्पेन देश है, और ये पुर्तगाल, और ये देखिए टिप पे एक स्थान है जिब्राल्टर। क्या? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर किसका पार्ट है? अब आपको लग रहा होगा स्पेन का पार्ट है, नहीं, स्पेन का नहीं, यहां यूके का कब्जा है, यूके का कब्जा। और ये अफ्रीका है, अफ्रीका का मोरक्को। अब इसी के बीच में देखिए ये है, और इसका टिप है जिसपे स्पेन का कब्जा है और यहां यूके का कब्जा। ये है जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर। ये है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि ये जस्ट भूमध्य में है, इन दोनों के भूमध्य में है, तो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो ये रहा आपका जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि किसको किसको अलग करता है, किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर, अटलांटिक ओशियन, इसको जोड़ता है अलग, अफ्रीका, यूरोप। अब कौन कौन से देश हैं उसमें देख लीजिए, अफ्रीका, यूरोप, कॉन्टिनेंट को अलग करते हैं।
अब हम लोग भूमध्य सागर में यात्रा करते हैं। ये सब द्वीप को क्या बोलते हैं, स्पेन का ही पार्ट है, बेलेरिक द्वीप। बेलेरिक द्वीप लिख देते हैं, रिक द्वीप समूह, कई द्वीपों को समूह को द्वीप समूह कहते हैं, आर्किपेलागो। अब देखते हैं ये कौन सा जूते का आकार का है, जूते का आकार का कौन सा देश है, इटली। इटली, अब इटली का ये देखिए, इटली के एक छोटे से, यहां इटली में ही बेट के एक देश है छोटा सा, विश्व का सबसे छोटा देश, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी किस लिए फेमस है, ये पोप का शहर बोलते हैं, पोप का देश बोलते हैं, क्योंकि इसमें जन क्षेत्रफल 0.4 है और जनसंख्या भी लगभग 1 से 1,200 है पोप का, यहाँ पोप जनसंख्या रहती है, तो पोप को पोपो का देश इसे बोलते हैं, पोप का शहर। और एक द्वीप यहाँ देखिए, आइलैंड, एक आइलैंड यहाँ, एक आइलैंड यहाँ, ये तीनों भूमध्य सागर के आइलैंड हैं, किसके कौन कौन से पार्ट हैं, ये है सिसली। सिसली द्वीप पूछे किसका पार्ट है, इटली का, किस सागर में स्थित है, भूमध्य सागर में। और ये सर्डिनिया, सर्डिनिया, और एक छोटा सा ये द्वीप दिख रहा है, इसे बोलते हैं कोर्सिका द्वीप। ये तीनों द्वीप कहां है, भूमध्य सागर में, सिसली और सर्डिनिया इटली के पार्ट है, लेकिन कोर्सिका फ्रांस का है, नेपोलियन बोनापार्ट, आप लोग जानते होंगे विश्व इतिहास में नेपोलियन कोर्सिका द्वीप में ही पैदा हुआ था, ये फ्रांस का पार्ट है। कोर्सिका द्वीप किसका अंदर है, फ्रांस के, अब लिख दीजिए एफ आर, फ्रांस। अब हम यात्रा करते हैं छोटे, ये देखिए ग्रीस, ये सब ग्रीस के देश हैं, एथेंस, ग्रीस के छोटे छोटे, यहाँ यहाँ से हम लोग ऐसे टहलते हैं। ये है एक देश तुर्की, तुर्की तो यूरोप में है नहीं, लेकिन कुछ उसके पार्ट, जैसे इस्तांबुल, ये वाला पार्ट उसका इस्तांबुल है, ये यूरोप का पार्ट है, इसलिए तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में है, इस्तांबुल वाला पार्ट इसका यूरोप में है और मेनलैंड इसका ज़्यादातर हिस्सा एशिया में है, इसीलिए इसको यूरोप का बीमार भी कहते हैं। ये बास्पोरस जल संधि है, ये काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर। एक ये छोटा सा है अजो सी, जो कि किसका पार्ट है, काला सागर का ही पार्ट है अजो सी। नेक्स्ट में देखते हैं, ये सब आपका पीडीएफ नीचे मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इसमें आते हैं, कहाँ पहुँचे थे, ये यात्रा होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। अब यूरोप और एशिया को अलग क्या करता है, यूरोप और एशिया को नदियाँ, पर्वतें, लाइनें, क्या क्या इसको अलग करती हैं एशिया और यूरोप को, देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आएंगे, ये काला सागर एक जस्ट इधर है, यहाँ एक कैस्पियन सागर है, क्या है इसके थोड़ा पूर्व में, मैं यहां बता दूं, इसके पूर्व में थोड़ा क्या है, कैस्पियन सागर है, और वहीं आती है बोल्गा रिवर, बोल्गा या यूराल पर्वत से, यूराल नदी भी है, यूराल पर्वत भी है, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। जैसे रसिया दो पार्टों में है, उसका पश्चिमी हिस्सा रसिया का यूरोप में है, पूर्वी हिस्सा साइबेरिया वाला पूरा एशिया में है, तो यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करती है, यूराल नदी भी है जो कि आपका यहाँ कैस्पियन में आके गिरती है, और यूराल नदी भी, ये कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और काला सागर और
काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में देखेंगे कासेसस पर्वत है। कौन सा पर्वत? यहाँ कासेसस पर्वत, नेक्स्ट में दिखा देंगे आप लोग। कासेसस पर्वत पे ही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एल्ब्रस है या माउंट एल्बुर्ज, और ये भूमध्य सागर आपको अलग करता है। तो यूरोप और एशिया को कौन कौन से अलग करते हैं? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, कासेसस पर्वत, ब्लैक सी, काला सागर, भूमध्य सागर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आते हैं नदियां देखते हैं, कुछ कुछ नदियां, जैसे ये आपको बताया था इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में यहां लंदन है, यहां जस्ट लंदन, तो लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? टेम्स या थेम्स, ये लंदन। ये लंदन किसके? टेम्स या थेम्स नदी। और देखिए यहां सीन नदी है, सीन नदी पेरिस के तट पे। जैसे यहां देखिए इटली, इटली आते देखते हैं, इटली में एक रिवर आती है टाइबर रिवर, जो कि भूमध्य सागर में गिर जाती है, टाइबर रिवर। और एक रिवर है पो रिवर, इटली में ही पो रिवर, ये पो, ये टाइबर रिवर। तो पो रिवर ये भूमध्य सागर है, इसी का एक पार्ट भूमध्य सागर एड्रियाटिक सी है, ये वाला। एड्रियाटिक सी, तो पो रिवर एड्रियाटिक सी में गिरती है और टाइबर रिवर भूमध्य सागर में गिरती है। पो रिवर इटली की गंगा भी से कहते हैं, इसलिए यहां देखिए मिलान एक शहर है, मिलान इटली का, ये पो, ये टाइबर रिवर, ये वो जिसके किनारे रोम, रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर, यहां जस्ट रोम है, रोम टाइबर। और नदियां कौन कौन सी हैं? ये इटली के जस्ट ऊपर ये है स्विट्जरलैंड, यहां से कई नदियां निकलती हैं, एक तो उत्तर की तरफ, एक इधर, ये इधर जो निकल, जो उत्तर की तरफ जाती है राइन, जर्मनी होते हुए स्विट्जरलैंड से, राइन रिवर जर्मनी होते हुए नीदरलैंड होते हुए यहां गिरती है, राइन नदी। कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र होने के कारण लौह उत्पाद, लौह उत्पादक इस्पात, इस्पात बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कहां? राइन क्षेत्र में, भ्रंश घाटी होते हुए राइन नदी बहती है। ये है डेन्यूब, डेन्यूब डी से। अच्छा, डी नाम की जितनी भी नदियां हों सब आप लग काला सागर में गिरे, जैसे डेन्यूब है डे, डेन्यूब, इसके जस्ट इधर है नीस्टर, नीस्टर इंग्लिश में देखिएगा लिख के, नीस्टर की स्पेलिंग है डी से शुरू होती है, डी साइलेंट है, पर हम याद करेंगे चार डी नाम की नदियां काला सागर में गिरती हैं। स्पेलिंग देखिएगा नीस्टर की डी से शुरू होती है, नीस टर, ये नीस्टर रिवर है। उसके बाद ये नीपर है, नीपर की स्पेलिंग भी डी से शुरू हो रही है, नीपर। और एक रिवर है ये डॉन, ये काला सागर के ही पार्ट अजो सागर में गिरती है, काला सागर, काला सागर और स्पेसिफिक करेगा तो अजो। तो ये चार डी, डेन्यूब डी से, नीस्टर, नीपर, डॉन, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहां गिरती हैं सब लगाने, काला सागर में, ये चारों। सीन नदी हो ही गई,
नेक्स्ट पे देखते हैं, ये अगर देखना हो तो ये देखिए, ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, ये नॉर्वे है, ये नॉर्थ सी, ये यूके, यूके का ये स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड के दो पार्ट, ये वाला बताया था ना, नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लिश चैनल जिसको अक्सर सब लोग पार करते हैं, मिहिर सेन ने पहले पार किया था, बिस्के की खाड़ी जो कि फ्रांस के तट पे स्थित है, अंडोरा, अंडोरा के बारे में आपको बताऊं, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है, अंडोरा यहां, यहां है अंडोरा, कोई समुद्र नहीं लगता, लैंडलॉक्ड कंट्री है अंडोरा। ये पुर्तगाल, ये है आपका जिब्राल्टर, ये है आपका कनारी आइलैंड। कनारी आइलैंड किस लिए फेमस है, आप जब पढ़ेंगे ठंडी जलधारा में, जलधारा में तो कनारी अफ्रीका के पश्चिम तट पे कनारी जलधारा बहती है जिससे मरुस्थल का विकास होता है। कौन सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, हालांकि अफ्रीका के उत्तरी भाग में है लेकिन यहां उसका प्रभाव है कनारी, कहां जही भी कहीं भी ठंडी जलधारा बहेगी अगर किसी महाद्वीप के पश्चिम साइड में तो वहां मरुस्थल होगा। ये यहां से होते हुए बेलारिक, कोर्सिका, ये कोर्सिका जहां नेपोलियन, और ये सर्डिनिया इटली का पार्ट, ये सिसली, यही सिसली पे ही एक है माउंट स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, नोट मत कीजिएगा, टोटल सब पीडीएफ में मिल जाएगा, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, ये एक्टिव वोल्केनो है, तो एक्टिव वोल्केनो के काफी ज्यादा प्रकाश यहां निकलता है, तो भूमध्य सागर में यहां काफी प्रकाश फैलता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ये है माउंट एटना, ये भी ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है भूमध्य सागर में, माउंट एटना। माउंट एटना, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये कौन कौन सी खाड़ी थी, बोथनिया की खाड़ी बताया था यहां, बोथनिया खाड़ी अगर पूछे किन दो देशों के बीच में है, ये आपका क्या नॉर्वे, स्वीडन, ये फिनलैंड, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी खाड़ी है पूछे, बोथनिया की खाड़ी, और गल्फ ऑफ फिनलैंड कहां था, तो ये फिनलैंड था, फिनलैंड के दक्षिण में फिनलैंड की खाड़ी है। गल्फ ऑफ रीगा कहाँ है, किस देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीन देश बताया था ना, एस्टोनिया लाटविया के बीच में कौन सी खाड़ी है, गल्फ ऑफ रीगा, ये किस सागर का पार्ट है, बाल्टिक सागर का, और एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया के तीनों संयुक्त रूप से कौन सा देश बोलते हैं, बाल्टिक, ये डेनमार्क, ये है एक छोटा सा आइसलैंड, लैंड दिखा देंगे अभी, ये इंग्लिश चैनल, ये स्टेट ऑफ डोवर, स्टेट ऑफ डोवर किसको किसको अलग करता है, दो पार्ट को, जो ये उत्तरी सागर है नॉर्थ सी और ये इंग्लिश चैनल, तो यहां है क्या ब्रिटेन या इंग्लैंड, ब्रिटेन या इंग्लैंड जो भी बोले, ब्रिटेन, यहां है फ्रांस, तो इन दोनों को अलग करती है और जोड़ती किसको है, स्टेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को, ये है और इंग्लिश चैनल जिसे पार करते हैं, तो ये गल्फ ऑफ बे ऑफ बिस्के, ये पूरा मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी में कई पार्ट, एड्रियाटिक सी जहां पो नदी गिरती थी, यहां बेनिस है, इटली का शहर है, इसी के नाम से इसको गल्फ ऑफ बेनिस रख दिया गया है, एक एड्रियाटिक सी, यहां चूना पत्थर के काफी फेमस है ये सेक्टर, चूना पत्थरों के लिए अपना, ये आपका सिसली हो ही गया था, ये समझे। अब आइए नदियां देख लेते हैं, नदियां बोल्गा जो कि यूरोप की, गंगा भी बोलते हैं बोल्गा, ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं, ये बोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है, डॉन, जितने भी डी नाम के, डॉन,
नीपर, यहाँ नीस्टर या डेन्यूब। डेन्यूब के बारे में 8 देशों से एकमात्र नदी ऐसी है जो 8 देशों से बहती है। कौन सी? विश्व की राजधानियां, इसके सबसे ज्यादा विश्व की राजधानियां डेन्यूब के किनारे हैं। तो डेन्यूब, ये नीस्टर, ये नीपर, ये डॉन, चारों डी से शुरू हो रही हैं। कहां गिर रही हैं? ब्लैक सी में। और ये राइन, ये स्विट्जरलैंड है। ये देखिए, ये आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत, ये थोड़ा सा फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ये इटली, यहाँ फैली हुई आल्प्स पर्वत। यहाँ से निकलते ही राइन, ये देखिए राइन यहाँ गिर रही है नॉर्थ सी में। यहाँ से डेन्यूब और ये विस्तुला बाल्टिक सागर में गिर रही है। और ये सीन नदी यहाँ से निकलती है, इंग्लिश चैनल में गिर रही है। कहाँ? ये है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, सीन नदी। सीन नदी के किनारे ही पेरिस है। ये देखिए, राइन अलग नदी है, रोन अलग है। राइन आल्प्स से निकल के उत्तर की तरफ बहती है जो कि नॉर्थ सी में गिरती है, और रोन जो है आल्प्स से निकल के दक्षिण की तरफ बढ़ती है जो कि भूमध्य सागर में गिरती है। ये है रोन, रोन रिवर, रोन रिवर। और एक रिवर है टैगस, टैगस रिवर स्पेन और पुर्तगाल से होके गिरती, यहाँ अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में गिरती है टैगस रिवर। ये देखिए, ये है टेम्स, ये टेम्स लंदन जिसके किनारे है टेम्स रिवर। ये फिजिकल मैप ऑफ यूरोप है। इसके बारे में ये देखिए, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जो डेनमार्क का पार्ट है, इसको कहाँ है? जटलैंड पेनिनसुला पे, नॉर्थ अटलांटिक है। अच्छा हाँ, ये आपका पुर्तगाल था, ये आपका स्पेन था, और ये एक देश था छोटा सा अंडोरा। इन सबको मिला के आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। और फ्रांस, ये स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है स्पेन और फ्रांस को, जिसे बोलते हैं पिरेनीज। क्या? पिरेनीज, स्पेन और फ्रांस के बीच में। अब देखिए, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्री में अंतर क्या होता है? जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन तीनों को मिला के स्कैंडिनेवियन कंट्री, और इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, क्योंकि यहाँ बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर, तो इसे बाल्टिक देश बोलते हैं। और आइसलैंड, फिनलैंड, इसको नॉर्डिक। हाँ, ये देखिए, ये है आपका कील नहर जो इसको इसको जोड़ रही है। देख रहे हैं यात्रा कैसे दूरी कम हो जा रही है? नहीं तो पहले कहाँ कहाँ से आते? यहाँ यहाँ से आते। कैसे इन दोनों की दूरियाँ कम कर रही हैं? ये देखिए ग्रेट, ये एक चित्र है। ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड को तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। अगर उसमें नॉर्थ उत्तरी आयरलैंड ले लेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, और छोटे छोटे द्वीप भी एक दो हैं ले लेंगे, जैसे जर्सी, तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश आयरलैंड, ये वाला पार्ट। ये वही है, देखिए, ये लंदन टेम्स नदी किनारे, ये इंग्लैंड था, ये वाला पार्ट वेल्स है, ये वाला स्कॉटलैंड, ये मिला के क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन। yes.
ये देखिए आपका कौन सी रिवर है, ये कितने देशों से जा रही है, देखिए ये है डेन्यूब, डेन्यूब देख रहे हैं कितने कितने देशों से, ऑस्ट्रिया होते हुए, हंगरी होते हुए, साइबेरिया, यहाँ आके गिर जाती है डेन्यूब, कहाँ, ब्लैक सी में। और हाँ छोटे छोटे ये देखिए, ये कौन सा था, स्पेन था, कौन सा देश, स्पेन था, ये वाला फ्रांस था ना, फ्रांस, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा देश है अंडोरा, देख रहे हैं, और फ्रांस के ही एक देश है मोनाको, देश के अंदर देश है ये लोग, जैसे वेटिकन सिटी एक सिटी नहीं है, देश है, इटली में ही देश है ये, इटली के अंदर एक देश है छोटा सा वेटिकन सिटी, जैसे सैन मरीनो, इटली में ही एक देश है सैन मरीनो, और ये लिचेस्टीन, ये क्या है, इटली के जस्ट नॉर्थ में ये स्विट्जरलैंड है, और ये ऑस्ट्रिया, इन दोनों के बीच पे कौन सा एक देश है, लिचेस्टीन, बस यूरोप आज का यही समाप्त होता है, थैंक यू।